हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। काफ़ी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग पे अभी क्लोज हो चुके हैं, बहुत सारों के अभी चल रहे हैं। आज अपन यार बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। राजस्थान के अजमेर शहर के किशनगढ़ के बांदा सेरी के अंदर ही आपको ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी लंबा चौड़ा लसग्रीन कैंपस है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट फीडबैक काफ़ी अच्छा है, कॉलेज रिव्यू काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका काफ़ी अच्छा है। कॉलेज के अंदर आपको मेस, हॉस्टल, बैंक सुविधा, ATM एंड टोटली सब कुछ देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही मेरे पास बच्चों की। वो क्या कंप्लेन है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राइट, इसके साथ ही पहले आपको लोगों को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट राजस्थान से, आउट ऑफ राजस्थान से, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, और अगर उनके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं, लो मार्क्स है, और अगर उनको आइडिया नहीं है कि भैया हमको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो हमारा मिशन CUET गाइडेंस एडमिशन प्लान चल रहा है, जो कि फुल एडमिशन जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक लाइव सपोर्ट फुल, उसके साथ फुल आपका एडमिशन प्रोसेस, कटऑफ एनालिसिस, आपके इंडिविजुअल मार्क्स के बेसिस पे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या फिर आपको नहीं मिलेगा, या फिर आपको कौन से गवर्नमेंट कॉलेजों में हम दे सकते हैं एडमिशन। बहुत सारे हमारे पास ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं जिनका प्लेसमेंट 10 लाख से 30 लाख तक है, और वहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो BTech CSE ब्रांच के अंदर। ऑल इंडिया के अंदर CUET का पहली बार ऐसा हम काउंसलिंग प्लान लेकर आए हैं, ओनली फॉर 1499 रुपए में पूरी टोटल CUET काउंसलिंग, फुल काउंसलिंग ओनली फॉर 1499 रुपए के अंदर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया गूगल फॉर्म का, फिल कर सकते हो। लिमिटेड टाइम ऑफर है, लिमिटेड सीट्स है। ओके, उसके अंदर सब कुछ डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा, या फिर जस्ट आपको क्या करना है, प्राइवेट में जाना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिसन, क्योंकि आपका जो टाइम है जब आपकी CUET काउंसलिंग क्लोज हो जाएगी तब आप जो है कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करोगे। राइट, तो उसके लिए आपको एक बैकअप ऑप्शन रखना पड़ेगा ना। अगर आपके जैसे लाइक आपको अगर बता दिया जाए कि भैया आपके कोई भी चांसेस नहीं है, इतने परसेंट चांसेस है, या फिर इस कॉलेज में आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा धैर्य तो मिलेगा आपको। कंप्लेन है यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से नोटिफिकेशन आता है रिगार्डिंग द काउंसलिंग प्रोसेस 2022 कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेज हैं वो 1000 रुपीज, यानी कि 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है, 1000 रुपये अच्छी बात है लगना, पिछले साल भी इसने इतना ही लिया था। जैसे ही मैं रजिस्टर करता हूँ, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, अपनी पूरी डिटेल डाल देता हूँ, CUET की डिटेल डाल देता हूँ, आगे बढ़ते 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 लास्ट में 8 नंबर ऑप्शन पे आता है मेरे पास प्रोग्राम सिलेक्शन। प्रोग्राम सिलेक्शन के अंदर मैं सेलेक्ट करता हूँ मेरे प्रोग्राम, उसके अंदर मैंने डाला ठीक है मैनी कोर्सेज आई सेलेक्टेड। ओके, देन मैंने वहाँ पे 10 कोर्सेज सेलेक्ट कर दिए। 10 कोर्सेज सेलेक्ट करने के बाद मुझे लगा यार 1000 रुपये का पेमेंट कटेगा। पे फीस पे क्लिक किया, पेमेंट आया 10000 रुपये का। मैंने सोचा ये क्या हुआ, ये क्या है, हाउ। बाद मैंने कोर्सेज कम किया, मैंने 6 कोर्स कर दिए वहाँ, 4 या 5 ऐसे कुछ किया था, वहाँ पे पेमेंट आया मेरा 6000 का। मैं आपको अभी लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये कॉलेज हमारे साथ स्कैम कर रहा है, जब इसने हमें कहा था कि ये 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन का लेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया कॉलेज वाले बोलेंगे हम तो 1 कोर्स का रजिस्ट्रेशन का लेंगे, तो यार ये सरासर अन्याय है बच्चों के साथ। बच्चा अगर CUET में पार्टिसिपेट किया है, अगर किसी कॉलेज में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, देन जाहिर सी बात है अगर उसको पता तो है नहीं कि भैया मेरा कौन से ब्रांच में होगा, मेरा केमिस्ट्री में होगा, मेरा मैथमेटिक्स में होगा, मेरा फिजिक्स में होगा, किस में होगा, स्टूडेंट नोट ना हो, अगर उसको पता है कि उसका इतना कट ऑफ है, देन तो वो अपने हिसाब से ब्रांच फिल करे। अब स्टूडेंट का मान लो अगर उसने 9 ब्रांच फिल करे, 1 ब्रांच छोड़ दे, बाद में उसको पता चले कि जो ब्रांच उसने छोड़ा है उसी ब्रांच का कट ऑफ उसके मार्क्स से मैच करता है, वही उसको मिल सकता था, तो स्टूडेंट तो यही करेगा ना कि सारी की सारी ब्रांच फिल करेगा। अब ये लोग बोल रहे हैं कि आप 1 ब्रांच फिल कर दो, 1000 में हो जाएगा आपका काम, आप अगर 10 ब्रांच फिल करोगे तो हम तो 10000 लेंगे। ऐसा CU हरियाणा तो नहीं करता, और भी काफ़ी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। मैं पर्सनली किसी को ब्रांड को डैमेज नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास ओनली फॉर स्टूडेंट की क्वारी जा रही है, बिकॉज यार काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं स्पेशली बिहार झारखंड से, जो कि जिनको मैं ऑलमोस्ट सारी की सारी काउंसलिंग फ्री देता हूँ, बिकॉज यार सभी को देने में सक्षम हूँ नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स उनकी काउंसलिंग करता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ईमेल आते हैं ऐसे कि भैया हमारा जो है
दो दिन का खर्चा नहीं चल पा रहा है, हमने एप्लीकेशन फॉर्म जो है कर्ज लेके अप्लाई किया है, हम कॉलेजों को काउंसलिंग कहाँ दे दें और आप लोगों को कहाँ से पे करते हैं, राइट? यार दिस इज द वेरी जस्ट लाइक क्रूशियस और आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। एंड इस वजह से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फिल भी नहीं कर पाए शायद, ठीक है। 10,000 रुपये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बिकॉज जस्ट लाइक बहुत सारे तो कॉलेजेज हैं जो कि 10,000 रुपये के अंदर पूरा बीटेक कंप्लीट करा के दे देते हैं। तो मैं आपको कुछ इसके व्यू दिखाना चाहूँगा लैपटॉप के अंदर, तो किस प्रकार से ये जो है मेरे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर 10,000 रुपये मेरे से मांग रहे हैं फॉर्म सबमिट करने के, और भारत पे जो है QR कोड एक्सेप्ट कर रहा है मेरा, ठीक है। तो यार ये देख सकते हो मेरे से यार 10,000 रुपये ले रहा है, ठीक है। अगर मैं कोर्सेस कम कर देता हूँ तो ये 6,000 भी ले रहा है, जैसे जैसे कोर्स कम करते जा रहा हूँ ये पैसे कम करता जा रहा है। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा गलत है, स्टूडेंट को कंप्लेन भी कर सकते हो आप लोग इसके रिगार्डिंग। एंड मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग, बिकॉज दिस इज अन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और भी बहुत सारे बच्चों की ये क्वारी जा रही थी, काफ़ी सारे कॉलेज जैसे भी हैं जिनकी यार फीस 80 रुपीज़ है, 300 रुपये, 500 रुपये, इट्स डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लोग पैसे ना ले, बिकॉज इनका भी यार कॉस्ट आता है, जैसे काउंसलिंग पोर्टल इन लोगों ने बनाया है, टीम इनकी जो बैठती है, टीचर लोगों को सैलरी जो मिलती है, राइट, एसी का खर्चा आ गया, जो भी खर्चा आए इनका, इट्स ओके। लेकिन यार ये तो काफ़ी ज़्यादा गलत है ना कि हर कोर्स के लिए अलग अलग कर दो, पहले नोटिस में 1,000 डालो, बाद में 10,000 कर दो कि भैया हर कोर्स के लिए 1,000 है, आपको जो चाहिए वो कोर्स लगाओ। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है स्टूडेंट के साथ और ये स्टूडेंट के हित में नहीं है। आई थिंक ये अगर जस्ट लाइक वीडियो किसी के पास पहुँच जाए तो काफ़ी सारे बच्चों की हेल्प हो सकती है शायद, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने CUET गाइडेंस प्लान में एनरोल नहीं किया है तो ज़रूर से जाके एनरोल कर लो, इंडिया का जस्ट लाइक नंबर वन या फिर पहला CUET एडमिशन गाइडेंस प्लान जो कि हमने इनरोल किया है। इसके साथ ही इफ़ यू वांट टू बिकम ए यूट्यूबर, अगर आपको काम करना है, इफ़ यू वांट टू जस्ट लाइक फ्रंट एंड यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप ज़रूर से अप्लाई कर दो। आई एम रनिंग ए स्टार्टअप कॉलेज जानकार.com, तो आप जो है उसके साथ मिलकर काम कर सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो, एंड मेनी जॉब्स आर अवेलेबल। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन मस्ट फिल द एप्लीकेशन फॉर, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी गिव टू द फीमेल कैंडिडेट, सेकेंड टू द मेल कैंडिडेट, ठीक है, बिकॉज महिलाएँ हमेशा पहले, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, और भी आपकी कोई क्वारी हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके साथ ही CUET एडमिशन गाइडेंस प्लान आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने नॉर्मल प्राइस पर कर दिया अभी, तो आप सभी लोगों के लिए ये अफोर्डेबल होगा। जो भी स्टूडेंट जस्ट लाइक नहीं पे कर सकते या फिर दिस इज नॉट जस्ट लाइक एनी सिचुएशन, देन वो ईमेल डाल सकते हैं, उनके लिए हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करते हैं, इंडिविजुअल खुद काउंसलिंग करते हैं और ट्राई करते हैं प्रोवाइड द एडमिशन, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। इसके साथ ही आई एम रनिंग है जस्ट लाइक NGO इंजीनियरिंग वाला फाउंडेशन। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कॉलेजों की फीस पे करने के लिए कैपेबल नहीं हैं, वो भी फ्यूचर ऑफ इंडिया एजुकेशन एट द रेट gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी अपनी डिटेल है शेयर कर सकते हैं। हमारी जो भी टीम है वो आपसे जल्द ही कॉन्टैक्ट कर लेगी इसके रिगार्डिंग कि आपका जो भी सारा फीस का जो प्रोसेस है, ठीक है, ज़रूर से ईमेल करिए जो भी स्टूडेंट कैपेबल नहीं है फीस पे करने के लिए, ठीक है, स्पेशली जो भी गर्ल्स बॉयज़ बोथ आर ओपन, ठीक है। थैंक यू।